तो अस्सलाम वालेकुम, आज एक नई वीडियो में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एएमयू क्लास 9 का जो एडमिशन है उसके बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर। इससे पहले भी मैंने आपको क्लास 6 का जो भी टेस्ट के बारे में बताया था, आपको कितने सीट्स हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, उसका क्या पैटर्न है, ये सब मैंने आपको बताया था क्लास 6 के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे क्लास 9th में कितने सीट्स हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं, क्या पैटर्न है, इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आपको इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो एएमयू और एजुकेशन से रिलेटेड लगातार मिलती रहेंगी। और वो जो बेल आइकन है ना, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो पूरे देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्लास 9th में कितनी सीट्स, कितनी टोटल टोटल सीट्स जो हैं वो क्लास 9th में वो है 405। ये टोटल मिला के सीट्स हैं बॉयज और गर्ल्स, 405 सीट्स हैं ये। इसके अंदर जो बॉयज की सीट्स हैं, बॉयज की सीट्स जो हैं वो हैं 225 सीट्स इसकी हैं बॉयज की हैं। और बाकी जो गर्ल्स की सीट्स हैं वो कितनी है, 180। टोटल सीट 405, जिसमें 225 जो है वो बॉयज की सीट्स हैं और 180 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से स्कूल बॉयज के और कौन से स्कूल गर्ल्स के। तो बॉयज के यहाँ पर 3 स्कूल्स हैं। वो स्कूल कौन कौन से हैं, स्कूल्स फॉर बॉयज। तो बॉयज के 3 स्कूल कौन से, पहला है आपका एसटीएस स्कूल, इसको मिंटो सर्किल भी कहा जाता है, मिंटो सर्किल भी कहते हैं। दूसरा स्कूल जो है बॉयज की वो है एएमयू सिटी स्कूल, ये दूसरा स्कूल है। यहां जो सीट्स हैं 45 सीट्स हैं, जो मिंटो सर्किल है इसमें 90 सीट्स हैं बॉयज के लिए। तीसरा स्कूल जो है वो है एएमयू एबीके हाई स्कूल, इसमें भी 90 सीट्स हैं। तो ये हो गई बॉयज की सीट्स, एसटीएस में 90 सीट्स, मिंटो सर्किल भी कह रही है इसको। दूसरा है एएमयू सिटी 45 सीट्स, तीसरा है एएमयू एबीके जिसके अंदर 90 सीट्स। अब बात करेंगे गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स के 2 स्कूल हैं, गर्ल्स के जो है वो 2 स्कूल है, गर्ल्स स्कूल वो है 2। तो कौन कौन से स्कूल्स हैं, पहला स्कूल है एएमयू गर्ल्स स्कूल, इसमें कितनी सीट्स हैं, 90 सीट्स हैं। और दूसरा है एएमयू एबीके, ये बॉयज का अलग है और गर्ल्स का अलग है, गर्ल्स हाई स्कूल, इसमें कितनी सीट्स हैं, इसमें भी 90 सीट्स। तो मैंने आपको बताया टोटल सीट 405, 225 बॉयज, 180 गर्ल्स। उसके बाद स्कूल मैंने बता दिया एसटीएस में 90 सीट्स हैं, एएमयू सिटी में 45 बॉयज का है और एएमयू एबीके 90। उसके बाद गर्ल्स के 2 स्कूल्स हैं, एएमयू गर्ल्स स्कूल 90 और एएमयू एबीके गर्ल्स का है, उसमें भी 90 सीट्स हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा अब एज की, आपको कितनी एज, इसमें एज आपकी जो है एज लिमिट जो है वो पहुंची आपकी 13 साल से 15 साल तक, आपकी एज 13 साल से 15 साल तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2005 से लेके और 31 मार्च 2007, आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में होना चाहिए। ये दोनों डेट जो है वो शामिल है इसके अंदर, या तो आप 1 अप्रैल में पैदा हुए हो या 31 मार्च, या इनके बीच में। तो ये होगी आपकी एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट जो है वो 13 साल से 15 साल तक का बच्चे 9 के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं हम इसके जो एग्जाम पैटर्न है उसकी, इसके एग्जाम पैटर्न का सवाल, टोटल जो टेस्ट के मार्क्स हैं, टेस्ट मार्क्स कितने हैं वो 100, टोटल मार्क्स कितने 100। अब ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, इसमें आपका जो रिटन पार्ट है उसका आप टेस्ट देंगे, उसमें आए वो आपका आएगा 85 मार्क्स का, और 50 जो आपका बचा इंटरव्यू, जिसमें इंटरव्यू होता है,
ये है आपका 15 मार्क्स का। तो 85 मार्क्स का आपको रिटन, इसका आप टेस्ट देंगे, और 15 मार्क्स का आपका होगा इंटरव्यू। उसके बाद जो आपका रिटन वाला पार्ट जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। ये इसमें आपका सेक्शन वन है, सेक्शन वन में सवाल आएंगे आपके, सेक्शन वन में आएंगे सवाल 25 मार्क्स का। सवाल इससे होंगे आपके इंग्लिश, उर्दू और हिंदी से। इसमें आपके सवाल आएंगे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू से 25 सवाल होंगे। दूसरा आपका जो है सेक्शन टू है, सेक्शन टू में आपके आएंगे 60 सवाल, 60 मार्क्स का होगा ये। इसमें आपके 30 आएंगे मैथ से और 30 आएंगे साइंस से। ये हो गए आपके टोटल 85 मार्क्स। उसके बाद जो नोट है उसको जरूर ध्यान रखें आप, सेक्शन वन में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। 40% का मतलब ये है आपको 10 मार्क्स सेक्शन वन में आर मस्ट इन सेक्शन वन। इसमें आपको 10 मार्क्स लाना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर टू में 60 मार्क्स भी आते हैं और सेक्शन वन में 9 मार्क्स आते हैं तो आपके होंगे 69 मार्क्स, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी क्योंकि सेक्शन वन में 10 मार्क्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात कट ऑफ की, ठीक, इसमें जो कट ऑफ मार्क्स हैं 85 मार्क्स का आपका टेस्ट है, इसमें आपको मान लीजिए अबव 60 के ऊपर ही आना है आपको, इससे नीचे पे आपको इंटरव्यू कॉल आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आपको अगर आपको चाहिए श्योर तो आप फिर ये माने कि 65 अबव 65 65 नंबर से ऊपर लाना आपको जरूरी होगा। और 60 में भी, क्योंकि ये पेपर पे डिपेंड करता है, हर साल के पेपर कहीं मुश्किल आता है कभी थोड़ा आसान होता है, लेकिन आपको अगर यू नो इफ यू वांट टू बी इन रैकनिंग तो आपको 60 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट। और जो आप चाहेंगे ज्यादा चांसेस आपके हों, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आप 65 से ऊपर ही आप मार्क्स स्कोर, अगर आप स्कोर करते हैं जब भी आपको इंटरव्यू में आने की कॉल, जो कॉल है वो आपको मिलेगी, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बेल आइकॉन है ना वो जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वीडियो मिलने वाली है क्योंकि आपको टेस्ट निकालने में जरूर हेल्प करेंगी। आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे कॉमेंट में जरूर बता दें, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके यहाँ, तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी लिंक आके वहां हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।